ज़बान हमारे अज़ा में एक शरारत का आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है, दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती है। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बनेंगे, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिए मांझी की मर्ज़ी के मुवाफिक घुमाए जाते हैं। उसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा उज्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़बान भी एक आग है। ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दारे दुनिया को आग लगाती है और जहन्नम की आग से जलती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर ये तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और उसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत में पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुँह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए।